तो दोस्तों स्वागत है एक न्यू वीडियो। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताने वाला हूँ लेजी पे का बैलेंस बैंक अकाउंट में आप लोग ट्रांसफ़र किस तरह से कर पाओगे। तो ये वीडियो में जो ट्रिक बताऊंगा वो 100% आप लोग को वर्किंग और जेन्युइन आप लोग को रहने वाला है। तो आप लोग को वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, तब आप लोग को ईजी वे में यहाँ से लेजी पे का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लोगे। तो ये वीडियो में दो प्रोसेस बताऊंगा, दोनों आप लोग को ध्यान से देखना, तब आप लोग ईजी वे में यहाँ से लेजी पे का बैलेंस बैंक अकाउंट में आप लोग ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो इसके लिए आप लोग को करना क्या, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आप लोग को बिल्कुल से स्किप करके वॉच नहीं करना। आप लोग को स्किप करके बिल्कुल से वॉच नहीं करना, तभी आप लोग को यहाँ से होने वाला। यदि आप लोग स्किप करते हो तो आप लोग को यहाँ से वर्क नहीं करेगा। तो आप लोग ध्यान से देखो, तभी आप लोग को समझ आएगा किस तरह से लेजी पे का बैलेंस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए वीडियो को सिंपली हम यहाँ से कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला आप लोग को क्या करना है, आप लोग को आ जाना है मोबाइल के स्क्रीन पर। जहाँ यहाँ पे मोबाइल के स्क्रीन पर होम स्क्रीन पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम प्ले स्टोर को कर लेंगे ओपन। आप लोग को भी यहाँ से प्ले स्टोर को करना है ओपन। जैसे ओपन करते हो कुछ ही तरह का इंटरफेस आप लोग को शो करेगा, तो इस पर हम कर लेंगे टैप। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, आप लोग को लेजी पे यहाँ से आप लोग को सर्च कर लेना है। तो जैसे प्ले स्टोर में आते हो यहाँ पे आप लोग को लेजी पे यहाँ से सर्च करना है। तो चलिए यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं लेजी पे। जैसे सर्च करते हैं यहाँ पे कुछ ही तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हो यदि आप लोग को अपडेट आया हुआ रहेगा तो आप लोग को अपडेट जरूर से इसको कर लेना है। मेरा यहाँ पे देखते हो ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट है, तो आप लोग को अपडेट आया हुआ होगा तो जरूर से आप लोग को अपडेट यहाँ पे कर लेना, तभी आप लोग को यहाँ से वर्क करेगा। यदि आप लोग यहाँ से अपडेट नहीं करोगे तो आप लोग को यहाँ से वर्क नहीं करेगा, आप लोग को ऑप्शन ही नहीं शो करेगा लेजी पे का। तो चलिए यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ यहाँ से और बता देना चाहता हूँ, कोई न्यू यूजर को यदि इसमें लिमिट लेना रहेगा तो यहाँ पे देखते हो यहाँ पे 4-5-6 पेज का यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर देख कर आप लोग समझ पाओगे किस तरह से आप लोग इसमें ईजी वे में लिमिट ले पाओगे। तो चलिए थोड़ा सा हम 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए इसको हम यहाँ से देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप लोग समझ जाओगे किस तरह से आप लोग को यहाँ से लिमिट मिलेगा। तो इस पर सिंपली हम कर लेंगे टैप। टैप तो यहाँ पे देखते हो लेजी पे बाय नाउ पेलेटर का ऑप्शन यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे देखते हो इतना सारा प्रोडक्ट में आप लोग इसका बैलेंस यूज कर पाओगे, यानी कि मिंत्रा। यहाँ पे देखते हो बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें आप लोग यूज कर पाओगे। और स्लाइड करेंगे यहाँ पे देखते हो लेजी पे यहाँ पे टोटल लिमिट यहाँ पे सॉरी यहाँ पे टोटल करके आ रहा है यहाँ पे 2500। लेजी पे यहाँ पे कुछ ही तरह का इंटरफेस आ रहा है, इंजॉय बैन क्लिक चेकआउट। यहाँ पे देखते हो 40K प्लस ऑनलाइन स्टोर, तो यहाँ पे 40,000 से प्लस ऑनलाइन स्टोर पे आप लोग लेजी पे का बैलेंस आप लोग पे कर पाओगे। और स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे देखते हो पे यूटिलिटी बिल फ्रॉम योर क्रेडिट लिमिट। तो यहाँ पे देखते हो प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी डिटेल फास्ट है, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें आप लोग इसका बैलेंस यूज कर पाओगे, जिसमें आप लोग मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, बिजली बिल पे कर सकते हो, डीटीएच का रिचार्ज कर सकते हो, फास्टैग का रिचार्ज यहां से कर पाओगे। और स्लाइड करते हैं ना यहाँ पे देखते हो कितना दिन में आप लोग को रीपेमेंट करना रहता है वो यहाँ पर आप लोग को बताया हुआ, 15 से 30 दिन के अंडर आप लोग को इसको रीपेमेंट करना रहता है। जो भी आप लोग लेजी पे क्रेडिट का आप लोग बैलेंस यूज करोगे उसको आप लोग को 15 से 30 दिन के अंडर आप लोग को इसको पेमेंट करना रहता है। और स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखते हो एक्सप्रेस कैसे, यहाँ पे कुछ ही तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे लिमिट यहाँ पे देखते हो 40,000 तक आप लोग को इजीली मिल जाएगा। आप लोग को ख़राब भी सी मिल जाएगा तो आप लोग को कम से कम आप लोग को लिमिट 2,000, 4,000, 6,000 ऐसे करके आप लोग को तो मिल ही जाता है। यहाँ पे 100% आप लोग को मिल जाएगा। तो और स्लाइड करते हैं तो इतना सारा ऑप्शन यहाँ से शो कर। तो चलिए मैं अब आप लोग को बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरह से लेजी पे का बैलेंस ट्रांसफर करोगे वो। तो यहाँ से होते हैं बैक। बैक होने बाद यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली हम ओपन वाले ऑप्शन पे हम कर लेते हैं टैप। जैसे ओपन करते हैं कुछ ही तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जैसे ओपन करते हो आप लोग को यहाँ से लिमिट शो कर जाएगा। तो यहाँ पे देखते हो मेरा यहाँ पे नेट स्लो वर्क कर रहा, तो यहाँ पे कुछ देर के लिए यहाँ से हम वेट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे ओपन होता है कुछ ही तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ही तरह का इंट्रोडक्शन आप लोग को दिया हुआ है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफर तो होने वाला है नहीं, तो आप लोग को क्या करना है यहाँ से सिंपली हो जाना है बैक। आप लोग को थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप लोग को यहाँ से ट्रांसफर होगा लेजी पे का बैलेंस। तो यहाँ से सिंपली होते हैं बैक। तो जैसे बैक होते हैं आप लोग को करना कि आप लोग को फिर से प्ले स्टोर में यहाँ से आ जाना है। जैसे प्ले स्टोर में आते हैं यहाँ पे आप लोग को एक ऐप यहाँ से आप लोग को सर्च करना है। यहाँ पे आप लोग को सर्च करना जोमैटो। जैसे सर्च करते हो कुछ ही तरह का इंटरफेस आप लोग को आ जाएगा। आप लोग को यहाँ पे लास्ट तक रहोगे तभी आप लोग को समझ में आना किस तरह से आप लोग को यहाँ से ट्रांसफर होने वाला। तो इसको आप लोग को इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे देखते हो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ पे अपडेट आया हो। तो यहाँ पे चलिए हम अपडेट करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप लोग को अपडेट होता है आप लोग को यहाँ से जोमैटो को कर लेना है ओपन। तो चलिए यहाँ पे हम जोमैटो को कर लेते हैं यहाँ से ओपन। तो जैसे ओपन करते हैं कुछ ही तरह का इंटरफेस आप लोग को आएगा। आप लोग को डाउनलोड करके इसको मोबाइल नंबर से इसको लॉग इन करना। जैसे लॉग इन करते हो कुछ ही तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ऊपर देख सकते हो यहाँ पे
ऊपर देख सकते हो लोकेशन आप लोग को शो कर जाएगा, बगल में आप लोग को लैंग्वेज, उसके बाद आप लोग को प्रोफाइल शो कर रहा है। नीचे आते हैं तो एक कुछ इतर का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल रहा है। नीचे डिलीवरी हिस्ट्री एंड मनी का ऑप्शन यहाँ से आ रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सिंपली आ जाना है ऊपर। ऊपर आने पर यहाँ पर लोकेशन, उसके बाद लैंग्वेज, उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर सिंपली हम कर लेते हैं टैप। तो जैसे टाइप करते हैं यहाँ पे देख सकते हो कुछ इतना का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इतना का इंटरफेस आगे नीचे देख सकते हो लाइक पेमेंट एंड सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। नीचे आते हैं तो अपडेट ऐप अपडेट अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा है, योर रेटिंग, योर ऑर्डर, फेवरेट ऑर्डर, एड्रेस बुक, हिडन रेस्टोरेंट, बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो जोमैटो एक्टिवेट, जोमैटो यूपीआई, जोमैटो यूपीआई हेल्प, बाय गिफ्ट कार्ड, क्लेम गिफ्ट कार्ड, ऑर्डर हिस्ट्री, जोमैटो क्रेडिट, बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है, जिसमें देख सकते हो जोमैटो वॉलेट का भी ऑप्शन यहाँ से शो कर रहा। तो आप लोग को करना है क्या, आप लोग को सिंपली यहाँ से हो जाना है ऊपर की ओर स्लाइड हो जाना। जैसे ऊपर आते हो तो यहाँ पे देख सकते हो लाइक एंड पेमेंट एंड सेटिंग का ऑप्शन यहाँ से आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे पेमेंट वाले ऑप्शन पे आते हो कुछ ही तरह का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हो ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड सोडेक्सो मिल पास का ऑप्शन यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पेटीएम यूपीआई, गूगल पे यूपीआई, फोन पे यूपीआई, ऐड न्यू यूपीआई आईडी का ऑप्शन यहाँ से आ रहा है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें पेटीएम में यहाँ पे देखते हो मेरा वॉलेट में बैलेंस इतना मेरा यहाँ से शो कर रहा है। यहाँ पे देखते हो 3940 यहाँ पे मेरा अमाउंट यहाँ से शो कर रहा है, इसी में आप लोग को मैं ट्रांसफर करके आप लोग को दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखते हो मोबीक्विक सिंपल पे, पेटीएम पोस्टपेड, लेजी पे का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो आप लोग को देखा यहाँ पे लेजी पे का ऑप्शन यहाँ पे वर्क कर रहा, तो इस पर सिंपली आप लोग को करना है क्या, इस पर आप लोग को सिंपली करना है क्लिक। तो जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे आप लोग को मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग को करना क्या, आप लोग को यहाँ से सिंपली मोबाइल नंबर डालना, जिससे आप लोग को लेजी पे बना हुआ रहेगा, वही नंबर आप लोग को डालोगे तभी आप लोग को यहाँ से वर्क करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, जिससे लेजी पे बना हुआ रहेगा, वो नंबर यहाँ से आप लोग को फिल कर लेना है। तो जैसे फिल कर दे कुछ इतना का इंटरफेस आप लोग को आया, तो यहाँ पे लिंक वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली लिंक वॉलेट वाले ऑप्शन पर हम कर लेते हैं टैप। तो जैसे टैप करते हैं यहाँ पे कुछ इतना का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हो इनसफिशिएंट क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन यहाँ से आ रहा है। तो आप लोग का यदि लेजी पे में लिमिट मिला हुआ रहेगा तो आप लोग को इजी वे में यहाँ से आप लोग को लिंक हो जाएगा। तो यहाँ तो फिर से हम ट्राई कर दें, तो जैसे ट्राई करते हैं आप देख सकते हैं इनसफिशिएंट क्रेडिट लिमिट, तो आप लोग को लिमिट मिला रहेगा तो इजी यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो जैसे ऐड होता है आप लोग को करना क्या, यहाँ से सिंपली आप लोग को आ जाना है ऊपर। जैसे ऊपर आते हो तो यहाँ पे देखते हो पेटीएम मोबीक्विक का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को लिंक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेटीएम वाले ऑप्शन पर सिंपली आप लोग को कर लेना है टैप। तो जैसे टैप करते हो तो यहाँ पे कुछ इतना का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐड मनी एंड लिंक वॉलेट का ऑप्शन यहाँ से आ रहा है। तो अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पर आपको करना है टैप। तो जैसे टैप करते हो यहाँ पे देख तो अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है, रिचार्ज पेटीएम, यहाँ पे 00 शो करा है, यहाँ पे आप लोग को 250 टाइप करना है। जैसे टैप करते हो यहाँ पे प्रोसेस टू ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग को क्या करना है, इस पर करना है सिंपली क्लिक। तो जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे देखते हो सर्च में जाएगा, यहाँ पे कुछ देर के लिए आप लोग को वेट कर लेना। जैसे वेट करते हो यहाँ पे कुछ इतना का इंटरफेस आप लोग को आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हो जैसे वेट करोगे कुछ इतना का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ऐड मनी टू वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखते हो मेरा बैंक का ऑप्शन आ रहा है। नीचे आते हैं तो प्रीपेड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है। तो आप लोग जैसे लेजी पे आप लोग ऐड करोगे यानी कि लिंक करोगे, तो आप लोग को यहाँ पे एक लेजी पे का ऑप्शन भी आप लोग को शो करने लगा। तो आप लोग को उस पर करना है टैप। जैसे यहाँ पे 250 यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप लोग को लेजी पे का भी ऑप्शन शो कर रहा है, उस पर आप लोग को करना है टैप। जैसे टैप करते हो आप लोग पे करोगे, आप लोग को लेजी पे की तरह से एक OTP मिलेगा, उसके बाद डायरेक्ट आप लोग को पेटीएम में ही आप लोग को पेटीएम वॉलेट में ये बैलेंस मिल जाएगा।